बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं कमीज का दामन बनाऊंगी, इस तरह के डिजाइनिंग वाले कपड़े का। तो अगर आपके पास इस तरह घेरा बना हुआ है पहले से ही कमीज के अंदर डिजाइन बना हुआ है, तो उसके नीचे आप बनाना चाह रही हैं या कमीज की लंबाई कम है तो उसको पूरा करना चाह रही हैं, तो आप इस तरह डिजाइन बनाएं। तो आइए, मैंने कमीज की 3 इंच लंबाई कम रख ली है। तो उसके डिजाइन के तैयार करने का ये तरीका है कि हमने ये लिया है 3.5 इंच की चौड़ाई होगी और 3 इंच की 3.5 इंच की लंबाई है। तो इसी नाप के हम पेपर पट्टी लेंगे। ये देखिए 3 इंच हमने इसकी, ये 3.5 है, इसके हमने 3 इंच तक इधर से चौड़ाई ले लेनी है। तो अब हमने इसका कॉर्नर सा बनाना है, तो इसी तरह हम इसको ऐसे डबल करेंगे इस तरह। ऐसे डबल करते हुए इसके अंदर से हमने ये 1 इंच पे हम निशान लगा लिया इधर से, अब इसके अंदर से हमने तकरीबन 1/2 इंच छोड़ना है। 1/2 इंच छोड़ के हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। इसको इस तरह इस तरह निशान लगा के इधर से एक जैसा है हमने उधर से कटिंग करनी है। करीबन इस तरह। इसके बाद हम ये कपड़े पे चिपकाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है। इस तरह हम पेपर पट्टी पे चिपका के ये कपड़ा इसके नाप का एक और ले लेंगे इस तरह। तो इसके अंदर अंदर सिलाई लगाएंगे इस तरह। फिर हमने इसको इस तरह कर लिया, फिर इसी की मदद से इसको इस तरह बैठा के तो इसको भी हम अंदर लेके जाएंगे अंदर की तरफ। इस तरह हम इसको भी अंदर लेके जाएंगे इस तरह और इस तरह। फिर हमने ये दोनों चीज़ें ऐसे इधर से भी और इधर से भी अंदर करके फिर इसको ऐसे अंदर की तरफ लेके जाना है ऐसे। इसके दोनों किनारे ये जो है ये बराबर होने चाहिए। फिर ये हमने इधर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने इसी तरह इस सारे तैयार कर लिए। इसके बाद हम जितना आपको घेर चाहिए, ये देखो तैयार घेर है, ये हमने इधर कट लगा लिया है और इधर भी ये कट लगा लिया है। अब इधर से हम शुरू करेंगे इनको लगाना। ये सीधी साइड ये है, इनको हम ऐसे रखेंगे, ये सीधी साइड है, ऐसे रखते हुए मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और ये रखती जाऊंगी। ऐसे रखेंगे इस तरह और ये घेरे के मुताबिक इसकी पट्टी लेंगे। तो हमने ये कपड़ा
इस तरह ऐसे लगाए रखेंगे, इस तरह ऐसे रख के फिर इस साइड पे हम सिलाई के ऊपर सिलाई लेके आएंगे। अब इधर नीचे कपड़ा लगा के हमने तिरपाई कर ली है, इसके बाद हमने इसको ऐसे सीधा कर लिया। ये हमने मोती इसके अंदर लगा लिया है, एक एक मोती। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी वैसे भी ये अच्छा लगेगा, अगर आपके पास है तो ये मैंने ग्रीन कलर के साथ मैच करके इस पर लगा लिया। अब मैंने ये एक थोड़ी छोड़ दी है ताकि मैं आपको लगाना बता सकूं। ये मोती है, इस तरह के बाजार से मिल जाते हैं। अगर आप डबल धागा करना चाहें तो फिर वापस ऐसे लें और इसको ऐसे लगा के इधर पक्का कर लें। अब ये दामन की फाइनल लुक। इधर मैंने इसलिए छोड़ा था कि इधर मैंने इस तरह ऐसे इस तरह तुरपाई करनी है, इस साइड पे भी इसी तरह से तुरपाइयां कर लेनी है हमने। तो ये मेरा दामन है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।